जुड़ गए हैं सारी की सारी खबरें लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमने जो है मंडे को कहा था कि बजाज कंज्यूमर केयर में जो है DI बाइंग देखने मिल रही है, और वहाँ पे हमने कहा था कि बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में थोड़ी इंटरेस्ट आई है इंस्टीट्यूशनल की, और आज भी जो है हम देख सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स में लगभग 2% जो है इक्विटीज़ एक्सचेंज हुई है। यहाँ पे FIs और DIs दोनों में खरीदारी हो रही है, ये डीलर्स कह रहे हैं हमें, और प्रमोटर्स जो है थोड़ी स्टेक बेचे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है देखा जाए तो प्रमोटर्स का लगभग 63% स्टेक है, और अगर FIs DIs की बात करें तो इनका 11 से लेकर 12% स्टेक ईच है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला स्मॉल कैप स्टॉक है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रेफरेंशियल इशू आया है, 127 करोड़ रेज हुई है, और इसके अलावा जो है लगभग 60 लाख वारंट्स इशू हुए हैं, लेकिन दो अहम जो बायर्स हैं डोमेस्टिक स्पेस में AG डायनामिक फंड्स और नेक्स्टपैक, उन्होंने बड़े पोजिशंस लिए हैं, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। तीसरा स्टॉक है HPCL, जहाँ पे एक FI डेस्क ने जो है एक्विजिशन स्टार्ट की है, और याद रखिए जो फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स होने वाली है HPCL की वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स में जो है एक अच्छी सुधार देखने मिलेगी, और स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 3 सेशन में 5% का इजाफा ऑलरेडी देखने मिला है। लेकिन डील स्पेसिफिक जो है चौथा स्टॉक भी आज मैं लाया हूँ आपके लिए, और वो है ग्लैंड फार्मा। यहाँ पे एक डोमेस्टिक फंड हाउस जो है एक कंटिन्यूस बाइंग देखने मिल रही है आज दिन के ट्रेड में, और याद रखिए वॉल्यूम्स में भी स्टॉक में लगभग 15 times उनके 20-day मूविंग एवरेज हो गया है, और स्टॉक अगर देखें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है जो 50 और 100 DMA का, उसमें भी जो है आज ही जो है दिन के ट्रेड में इन दोनों लाइन्स को पार किया गया है, तो इन स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में आप रखिएगा। का शुक्रिया, ये सारे के सारे शेयर्स, और राजा आज तो एक बोनस शेयर भी, 3 के बदले 4 शेयर्स हमें शरद बता रहे हैं। ग्लैंड फार्मा पर भी वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर क्लियरली बढ़त, और फार्मा स्टॉक्स पर तो फोकस है ही, 14% तक की बढ़त इस वक्त ग्लैंड फार्मा के काउंटर में नजर आ रही है। सुदीप, इस पर ही एक बार एक चार्ट चेक कीजिए, बताएं DIs की लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है विच इज़ अ पॉजिटिव, और इसके अलावा फार्मा प्लेज फोकस में है ग्लैंड फार्मा में, 1400 के पार के लेवल्स इस वक्त। मानसी जी, एक बहुत टाइम के बाद हमने ग्लैंड फार्मा में ये एक बड़ा मूव देखा है जो 14-15% का है। इसके पहले एक बार अगस्त 2022 में स्टॉक ने 2200 से लेके 2500 तक का एक मूव दिखाया था, क्योंकि अगर हम ओवरऑल स्टॉक का ट्रेजेक्टरी देखें 4200 से, तो ये हमेशा एक सेल ऑन वाइज कैंडिडेट ही रहा है, और कहीं पे भी हर एक स्विंग बॉटम से स्टॉक 10-12% के ऊपर स्टॉक ने कभी एक उछाल नहीं दिया है, बट ये पहली बार है जो 15% आज हम एक दिन में इसको देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक बॉटम फिशिंग एक्टिविटी या बॉटम फॉर्मेशन एक्टिविटी हम इसे कह सकते हैं, और जब तक ये स्टॉक 1330-1340 के ऊपर है शॉर्ट टर्म में, मुझे लग रहा है यहाँ पे हम 1550 से लेकर 1600 तक का एक भाव देख सकेंगे, वहां पे एक इसके ऊपर एक ओवरहैंग सेलिंग प्रेशर आएगा जो पुराना एक रेजिस्टेंस है, तो 1330-1340 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बट जो भी ट्रेडर यहाँ पे बाय करे या निवेशक बाय करे तो एक ग्रेजुअली ऑन डिप्स बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, और नॉट एट वन गो।